तो चलो फ्रेंड्स, आज हम ये डिजाइन सीखने वाले हैं। तो अब ये डिजाइन कैसे बनता है ये अब हम सीखते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन का लिंक, मेरा नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने दिया हुआ है। तीनों जगह पे आप मुझसे ज्वाइंट हो जाइए। एप्लीकेशन के अंदर आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है उसका उसमें फ्री वीडियो मिल जाएगा, और मुझसे अगर ऑनलाइन आपको सीखना है तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है उसमें आप ज्वाइंट हो जाए, आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना उस ग्रुप में आप मैसेज करना, वहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे डिजाइनर जो है वहाँ पे, तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ना वहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वहां से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप मुझे पर्सनल, मैंने ना जो नंबर दिया है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इमेज को बैकग्राउंड में सेट करेंगे। इमेज को बैकग्राउंड में सेट करने के लिए पहले हम व्यू में जाएंगे, पिक्चर फ्रेम में, फिर इमेज पर क्लिक करके ओपन पर क्लिक करना है, फिर F4, फिर शिफ्ट के साथ स्ट्रेट ये बॉक्स बना देना है। ये इमेज हमारी यहाँ पे आ गई है। अब सबसे पहले हमें इमेज को जितना रखना है उतना रखेंगे, बाकी का ट्रिम कर देंगे। तो हमने इतना सेट किया, फिर बाकी काम ने ट्रिम कर दिया। अब सबसे पहले इस डिजाइन को हमें 19 mm में बिठाना है, तो क्या करेंगे, इमेज को सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए, स्केल 2D का ऑप्शन लेकर यहाँ से स्ट्रेट नीचे से ऊपर तक क्लिक किया, फिर जितना रखना है उतना लिख देंगे। तो हमें कितना रखना है, 19 mm, तो 19 लिख के एंटर। फिर एक बार इसका मेजर ले लेना है, अलाइन डायमेंशन से। अब इसको सेंटर में लेने के लिए सिंगल लाइन लेंगे, बोथ साइड का ऑप्शन, फिर ऊपर एक नीचे का ऐसे लिया बोथ साइड के ऑप्शन के साथ, फिर इस साइड, फिर ये वाला कव ले लिया। अब हमें इन दोनों कव के बीच का कव मतलब ट्विन कव लेना है, तो ट्विन कव हमने यहाँ पे ले लिया, फिर इन दोनों कव के बीच का ट्विन कव हो गया। अब हमें ये सब सिलेक्ट करना है एक साथ, यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑन रखना है, फिर मूव का ऑप्शन लेकर एग्जिट यहाँ सेंटर में क्लिक करना है, बाकी के स्नैप हम बंद कर देते हैं। इंटरसेक्शन क्लिक किया, F4 हो गया ये सेंटर, फिर बाकी के कर्व्स एक जो एक्स्ट्रा है वो डिलीट कर देंगे। इमेज को कलर ग्रे कलर देकर यहाँ पे ग्रे कलर दिया, फिर लॉक कर दिया। फाइल में जाकर हम इस डिजाइन को एक बार सेव कर देंगे। अब हमें इस पर ड्रॉ करना है, तो कहीं से कौ से होगा इंटअप कौ, इंटअप कौ लिया, यहां से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। इतना इसका मेजर लेके हम इसको ऑफसेट कर्व दे देंगे, तो मेजर में अलाइन डायमेंशन से यहाँ तक का नाप ले लेंगे, 1.3 का है, तो सिलेक्ट किया, कर्व में जाके ऑफसेट कर्व कितना देना है, तो 1.3 एंटर।
हो गया। अब यहाँ से हमें थोड़ा पतला करना है, तो क्या करेंगे, इसको रिबुल्ड करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा पॉइंट हो गए। तो सिलेक्ट किया, रिबुल्ड का ऑप्शन लिया, 10 पॉइंट रख के एंटर 15। फिर यहाँ इसको हम शेप के हिसाब से सेट कर देंगे। ये हो गया। फिर हम ये वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे, तो इसको भी ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा। फिर इसको मेजर करके हम इसको भी ऑफसेट का दे देंगे, 1.9, मतलब 1.1 का ऑफसेट देना है, 1.1 इंटर गया। अब इसको फिर से रिबुल्ड, 10 पॉइंट रखे हैं, F10। फिर से हम ये वाला पट्टी ड्रॉ कर लेंगे। इसको भी हम मेजर कर लेंगे, ये भी 1.1 का ही है, तो हम इसको 1.1 का ऑफसेट कर्व दे देंगे, रिबुल्ड, इसमें भी हम 10 पॉइंट ही रखेंगे। फिर कर्व्स को हमने इमेज के हिसाब से सेट कर दिया। अभी अंदर वाला हार्ट शेप हम ड्रॉ करेंगे। फिर एक बार हम इमेज चलिए, फिर अब इसको ऑफसेट देते हैं। पहले इसका मेजर लेते हैं अलाइन डायमेंशन से, यहाँ से यहाँ तक 1 mm का है, सिलेक्ट किया, ऑफसेट को लिया, 1 mm एंटर, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी ऑफसेट दिया 1 mm। एक्स्ट्रा जो है वो हम ट्रिम कर देंगे यहाँ से। फिर इमेज हाइड करके एक बार इसका शेप चेक कर लेंगे, यहाँ से ठीक नहीं है। फिर इन दोनों को रिबुल्ड करके इसका भी शेप हम
ठीक से ले लेंगे। अब हम इन सब के मेटल क्रिएट करेंगे। तो पहले इसको लॉफ्ट सरफेस में जाके लॉफ्ट का ऑप्शन ओके हो गया। इस सब को हम पहले लॉफ्ट मेटल बना लेंगे। ये डायमंड वाला पट्टी है, इसके लिए हमें इसको हाइट देना है 1 mm। तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट सरफेस में जाके एरोस को फ्लिप ऑल नीचे लिया, डिस्टेंस 1 है तो एंटर। ओके, अब ये सब मेटल्स डोम वाले हैं, तो इसकी हाइट हमें देनी है 0.7। सिलेक्ट किया, ऑफसेट सरफेस पर क्लिक किया, डिस्टेंस में हमें लिखना है 0.7। अब इन एरोस को हमें फ्लिप करके नीचे लेना है, एंटर। फिर हम इन डोम वाली पट्टी को ब्लेंड सरफेस देना है, तो पहले ये ऊपर के जो सरफेस है उसको अलग करना पड़ेगा। तो उसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉलिड में जाएंगे, एक्सट्रेक्ट सरफेस, फिर चीज सरफेस को निकालना है, उन पर क्लिक करके एंटर दबा के डिलीट। फिर से ऑप्शन दिया, क्लिक किया, यहाँ पे ये वाला सरफेस नहीं चाहिए, ये वाला सरफेस भी हमें नहीं चाहिए और ये वाला सरफेस भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब डोम वाले हैं, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। फिर इन सब पे हम ब्लेंड सरफेस में ऊपर डोम वाला मेटल बना देंगे। तो क्या करेंगे, सरफेस में ब्लेंड सरफेस का ऑप्शन देंगे, दोनों ये चीज पर ऐसे क्लिक करेंगे, फिर एक बार एंटर। फिर हमें यहाँ पे कितना डोम चाहिए, तो यहाँ लिखना है 0.2 और नीचे के ऑप्शन में भी 0.2 ना हो गया। फिर ये सब सिलेक्ट किया, जॉइंट और सॉलिड में जाके इसको यहाँ से ओपन होगा, तो इसको पैक करने के लिए कैप प्लानर। फिर से हम सरफेस में गए, ब्लेंड सरफेस का ऑप्शन लिया, इन दोनों एजेस पे क्लिक किया, एंटर। फिर हमें यहाँ फिर से 0.2 का ऑप्शन लेना है, ओके। सिलेक्ट किया, जॉइंट किया, सॉलिड में जाके उसको यहाँ से पैक कर दिया कैप प्लानर। फिर से सरफेस में गए, ब्लेंड सरफेस का ऑप्शन लिया, दोनों एजेस पर क्लिक, एंटर। यहाँ लिखना है 0.2 एंड ओके। ओके, सिलेक्ट किया, जॉइंट किया, सॉलिड में जाके उसको कैप प्लानर दे दिया। फिर इस मेटल पे भी सेम प्रोसेस, ब्लेंड सरफेस, दोनों एजेस पे क्लिक, एंटर। कितना डोम देना है, तो 0.2 ओके। सिलेक्ट करके जॉइंट, सॉलिड में जाके कैप प्लानर।
अब ऐसे हमने मेटल्स बनाए ना, तो हम एक बार इन सबको चेक कर लेंगे सिलेक्ट करके, ये मेटल पास है या नहीं। तो सिलेक्ट कर मेटल को चेक करने के लिए कहाँ जाना है, एक बार सिलेक्ट करना है, टूल्स में जाना है, ऑब्जेक्ट चेकर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो क्या होगा, यहाँ नीचे ये बॉक्स ओपन होगा। तो इस बॉक्स में हमें इस पेंडेंट जिस मेटल को भी हमें चेक करना है उसको हम यहाँ क्लिक करके रखेंगे। तो क्या है, अभी तो सब मेटल पास है, ऑल ऑब्जेक्ट पास। अगर फेल होगा तो यहाँ फेल लिख कर आएगा। फिर हमें इसको फ्लो देना है, तो फ्लो देने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इस पट्टी को यहाँ से नीचे लेंगे, पेंडेंट सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए, केज एडिट का ऑप्शन, उसमें लाइन वाला ऑप्शन। अब हम पहले राइट में से इसको डोम देंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्लिक किया, स्टार्ट से एंड तक, और दो बार एंटर। तो क्या होगा, ये पॉइंट डोम हो गए। तो बीच के जो दो पॉइंट है उसको सिलेक्ट करके मूव करके ऐसे ऊपर लेना है। नाउ पर लिया, दो बार एस्केप दबा के इसको पॉइंट को हाइड कर देना है और कर्व्स को डिलीट। फिर इसको हमें फ्रंट से फ्लो देना है, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट किया, केज एडिट का ऑप्शन, फिर से उसमें जाके लाइन का ऑप्शन लिया, क्लिक किया, फ्लिप फ्रंट व्यू करके स्टार्ट से एंड तक हम यहाँ पर शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे, दो बार एंटर। तो अब बीच के जो दो पॉइंट है उसे फिर से इतना ऊपर ले लेना है, फिर एस्केप पर 3D करके एक बार चेक कर लेना है कि ये ठीक है या नहीं। तो अभी इसका फ्लो ठीक से आ गया है। अब हम इन पट्टीज को अप डाउन करना है, तो क्या करेंगे, ये डायमंड वाली पट्टी से ये डोम वाली नीचे है, देखिए यहाँ पे भी ऐसा अप डाउन है, तो हम पट्टी को अप डाउन करेंगे। तो क्या करेंगे, अप डाउन करने के लिए इस प्लेट को सिलेक्ट किया, केजी एडिट में गए, बाउंडिंग बॉक्स वर्ल्ड पे क्लिक किया, फिर ये ऑप्शन चार चार है पॉइंट, हाँ, तो दो बार एंटर एंटर। एक बार एंटर करने से ये बॉक्स आएगा और दूसरी बार इंटर दबाने से ये पॉइंट्स ऑन होंगे। अब हमें यहाँ से ये नीचे लेना है ये वाला पोर्शन, तो क्या करेंगे, अब ये बैक व्यू में दिखेगा ठीक से, तो बैक व्यू करेंगे पहले, टॉप में से इसको सिलेक्ट किया, बैक व्यू किया, फिर इसको यहाँ से मूव से इतना नीचे ले लिया, हो गया। फिर इसके पीछे वाले जो पॉइंट है उसे सिलेक्ट करके हम उसे भी नीचे ले लेंगे। फिर ये वाले पॉइंट्स भी हम थोड़े लेंगे क्योंकि यहाँ शेप के हिसाब से थोड़ा ठीक हो जाएगा, इसलिए फिर टॉप। अब ये वाला मेटल हमें यही रखना है क्योंकि ये ऊपर है, देख लीजिए आप यहाँ से, तो अभी ये तो ठीक ही है। फिर एस्केप दबा देना है और ये बॉक्स डिलीट कर देना है। अब हमें ये वाला मेटल यहाँ से थोड़ा नीचे लेना है, तो सिलेक्ट किया, केज एडिट में बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक किया, वर्ल्ड, फिर दो बार एंटर एंटर। तो अब यहाँ से जो पॉइंट आया है उसको हम थोड़ा नीचे ले लेंगे, तो सिलेक्ट किया, बैक व्यू किया और उसको वहां से थोड़ा नीचे लिया। हो गया, ये ज्यादा नीचे नहीं है इसलिए। फिर इसको हमें यहां से भी थोड़ा नीचे लेना है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को टॉप में से सिलेक्ट किया, फ्रंट व्यू किया और मुंह दबा के इसे नीचे ले लिया। फिर हमें इन दो पॉइंट्स को भी यहाँ से थोड़ा नीचे लेना है, तो हम क्या करेंगे, टॉप में से पहले सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसे थोड़ा नीचे ले लेंगे।
फिर ये वाला बॉक्स फिर से डिलीट। अब हमें यहाँ से स्टेपिंग देना है, तो क्या करेंगे, दोनों को पहले सिलेक्ट करके टॉप में से ही थोड़ा इतना ऊपर ले लेंगे क्योंकि स्टेपिंग में दिखेगा। अब ये वाला पट्टी यहाँ से ऊपर है और ये वाला थोड़ा नीचे है, तो क्या करेंगे, इसका भी हम केज एडिट से बाउंडिंग बॉक्स वर्ल्ड चार चार पॉइंट लेने हैं, फिर इन पॉइंट्स को ऊपर लेना है, तो क्या करेंगे, बिग व्यू करेंगे और मूव करके इसको ऊपर लेंगे। फिर इस एक पॉइंट को छोड़ दिया और इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, बिग व्यू में से इसको ऊपर लेंगे। फिर बैक व्यू में से ये वाला पॉइंट हम ऊपर लेंगे, फिर इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके एक साथ थोड़ा नीचे ले लेंगे। बीस पॉइंट को सिलेक्ट किया बैक व्यू में से, इसको थोड़ा ऊपर ले लिया, ये वाला बॉक्स अभी डिलीट। इसको यहाँ से थोड़ा नीचे लेना है, तो सिलेक्ट किया केज एडिट बाउंडिंग बॉक्स वर्ल्ड चार चार पॉइंट है, एंटर एंटर। फिर ये वाले पॉइंट्स हम नीचे लेंगे दोनों, ऊपर से टॉप में से ऐसे सिलेक्ट किया, बैक व्यू किया, इसको इतना नीचे। फिर ये बॉक्स भी डिलीट। फिर हमें यहाँ पे कॉलेट बना के सेट करना है, तो क्या करेंगे, इमेज हम फिर से अनलॉक करेंगे और कॉलेट में जो डायमंड है उसका मेजरमेंट ले लेंगे, तो अलाइन डायमेंशन ये 1.6 का है, तो हमें क्या करना है, इसको हम हाइड में रखते हैं और 1.6 का हम एक कॉलेट बनाएंगे। तो जेम लोडर में गए कॉलेट बनाने के लिए, राउंड डायमंड में कितना लेना है, 1.6 का, तो 1.6 का डायमंड लिया। फिर सॉलिड में सिलेंडर का ऑप्शन लिया, F4 करके 1.6 का डायमंड है, तो उसका सिलेंडर कितना लेना है हमें, तो 1.8 का, टॉप में से 1.8 चाहिए और फ्रंट में से उसका हाइट हमें 1 mm चाहिए, तो हमें कितना लिखना है, -1। फिर फ्रंट व्यू करके डायमंड को हमें 0.1 ऊपर ले लेना है, फिर F6 करके उसका जेम कटर। अब हमें यहाँ से ये आर पार नहीं है, तो हमें क्या करना है, ये येलो वाला जो बॉक्स है ना लोअर डेप्थ, वहां पे क्लिक रख के उसकी हाइट बढ़ा देनी है। हाइट बढ़ने के बाद उसको सिलेक्ट किया डिफरेंस और योर जेम कटर पे क्लिक, एंटर। और 1.6 के डायमंड के हिसाब से इसका प्रॉन्ग साइज आएगा 0.55, तो हम क्या करेंगे, F4 सेंटर में 0.55 का प्रॉन्ग बनाएंगे, तो 0.55 हमें टॉप में से चाहिए और हम इसका हाइट देंगे -2 फ्रंट में से। फिर फ्रंट व्यू किया, प्रॉन्ग को डायमंड तक लिया और इसे डायमंड के ऊपर 0.3 रखना है, फिर इसका हाइट मूव फेस से घटा देना है यहाँ से इसके लेवल तक। फिर हमने इसके लेवल तक ले लिया, फिर हमें इसको फिलेट एज देना है, तो क्या करेंगे, हम सॉलिड में जाके फिलेट एज का ऑप्शन लिया, इस एज को हमें राउंड करना है, तो उस पर क्लिक किया एक बार, एंटर, तो यहाँ पर जो बॉक्स खुलेगा उसमें सेट ऑल पर क्लिक करना है, फिर इसका हमें कितना राउंडिश रखना है, तो 0.15 का, तो 0.15 लिख के एंटर एंटर। फिर इस
में हमें चार कॉपी चाहिए प्रॉम्प्ट्स का, एक दो तीन चार है, तो हमें इसको सिलेक्ट करके यहाँ तक रखना है इतना इंसर्शन, और ट्रांसफॉर्म में जाके अरे पॉलर का ऑप्शन लेना है, फिर F4 करके, ये सेंटर में है इसलिए F4 का ऑप्शन मैंने लिया है। F4 दबा के चार लिख के 3 बार एंटर 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 दबा देना है। तो ये हो गया हमारा कॉलेट तैयार। सिलेक्ट करके हम इसको ग्रुप कर देंगे, यूटिलिटीज में जाके ग्रुप का ऑप्शन है। फिर हम इस कॉलेट जो पेंडेंट है उसको फिर से शो करेंगे। अब हमें इसको कहाँ सेट करना है, तो हम फिर से इमेज ओपन करेंगे, मूव करके यहाँ पर ऐसे सेट किया, सेट करके फिर इसे इतना रोटेट कर लिया, फिर राइट व्यू में जाके यहाँ से इसको इतना ऊपर ले लेना है, फिर पहले पेंडेंट तक लेना है, फिर वहां से 0.7 ऊपर इतना हो गया। फिर इसको मूव फेस से इसकी हाइट नीचे इस पट्टी तक लेनी है, तो क्या करेंगे, सॉलिड में गए, मूव फेस का ऑप्शन लिया, इन सब एजेस पर क्लिक करके इन सब को सिलेक्ट कर लिया, फिर से राइट व्यू में गए, इसकी हाइट इतनी हमने बढ़ा दी क्योंकि इसमें इंसर्शन कम था इसलिए। अब ये पेंडेंट डिजाइन के हिसाब से राइट साइड झुक रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉलेट को सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा हम राइट साइड तक रोटेट कर लेंगे ऐसा, तो क्या है डिजाइन के हिसाब से लगेगा। राइट में से सेट हो गया, अब हमें फ्रंट में से राइट साइड थोड़ा झुकाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, फिर इतना नीचे ले लिया, तो हो गया इतना हमारा, फिर थोड़ा ऊपर ले लेंगे। ओके, ये हो गया हमारा कॉलेट सेट। फिर इस पे हमें डायमंड सेट करना है, तो क्या करेंगे, डायमंड सेट करने के लिए पहले हम इनका डुप्लीकेट एज लेंगे, तो कव में गए, कव के ऑप्शन में दूसरे बॉक्स में डुप्लीकेट एज का जो ऑप्शन है उसको ले लिया, फिर इन दोनों एजेस पर क्लिक किया, एंटर, ये दोनों कव्स आ गए, तो कव पर क्लिक किया, फिर हमने ऑफसेट का ऑन सरफेस का ऑप्शन लिया, मेटल के ऊपर क्लिक किया, तो कितना चाहिए, तो 0.15, तो आ गया हमारा 0.15 पे एक कव। फिर दूसरा वाला ऑप्शन लिया, फिर से ऑफसेट का ऑन सरफेस और फिर से मेटल पर क्लिक, कितना चाहिए, तो 0.15 इतना हो गया। फिर इन दोनों का उसका कलर चेंज कर देंगे हम, फिर इस पर डायमंड सेट करने के लिए मेटल पर एक बार क्लिक, फिर F6 और उसमें जेम ऑन सरफेस का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे, फिर इन दोनों का उसके बीच में हमें डायमंड सेट करना है, तो कौन सा वाला सेट आएगा ये हमें पहले देख लेना है, तो ये 1 mm का है और इसमें 1 mm का ही सेट आएगा, तो हम यहाँ से रखेंगे और स्पेसिंग दो डायमंड के बीच का कितना चाहिए, तो 0.15 का, स्नैप यस कर देंगे, फिर हम ऐसे डायमंड सेट करते जाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा डायमंड लेंगे, फिर से हम यहाँ पे 1 mm का ही ले लेंगे, हमें किसी भी पेंडेंट्स में 0.9 से छोटा डायमंड नहीं सेट करना है। फिर हमने इन सभी डायमंड्स को ग्रुप करना है, तो डायमंड कलर पे हम राइट क्लिक करेंगे,
इसको अनसिलेक्ट करके इन सबको ग्रुप करना है, तो क्या करेंगे, यूटिलिटीज में जाके ग्रुप का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दिया। फिर इसका जेम कटर लेना है, तो क्या करेंगे, डायमंड को सिलेक्ट किया, F6 का ऑप्शन लिया, जेम कटर लिया इसका, फिर 3D करके देख लेना है ये आर पार है, हाँ तो है, पर यहाँ से थोड़ा अंदर है, तो क्या करेंगे, लोअर डेप्थ पे क्लिक करके उसका हाइट थोड़ा हम बढ़ा देंगे, फिर एंटर, फिर टॉप करके मेटल को सिलेक्ट करना है, फिर सॉलिड में जाना है, पहले बॉक्स में डिफरेंस पे क्लिक करना है, फिर जेम कटर पे क्लिक कर देना है और एंटर। अब हमें इस पे प्रॉन्ग्स सेट करने हैं, तो क्या करेंगे, मेटल पे फिर से क्लिक किया, F6 का ऑप्शन लिया, प्रॉन्ग ऑन सरफेस का ऑप्शन लिया, तो डायमीटर में हम 1 mm के डायमंड के हिसाब से 0.5 का प्रॉन्ग सेट करेंगे, और मेटल के अंदर इसका कितना इंसर्शन है, तो 0.2, हाइट इसकी मेटल से ऊपर 0.7, फिलेट इसको 68 रखना है, और टेपर इसको हमें नहीं रखना, इसलिए 0। उसी हिसाब से हमने सेट कर लिया। यहाँ पे हमें दो डायमंड सेट नहीं होंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंगल प्रोंग ही सेट करेंगे, तो सिंगल प्रोंग यहाँ पे सेट कर लिया। धीरे से इनको सेट करते जाना है। फिर हम यहाँ पे थोड़ा छोटा ले लेंगे प्रोंग, 0.45 का प्रोंग लिया हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 0.9 का डायमंड है, फिर यहाँ पर ऐसे पतला हो रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंगल सिंगल प्रोंग दो ऐसे सेट कर देंगे, फिर इन सब प्रोंग को ग्रुप करना है, तो क्या करेंगे, इस बॉक्स पर राइट क्लिक किया,
फिर यूटिलिटीज़ में गए, फिर ग्रुप। तो अभी हमारा पेंडेंट रेडी हो गया है, अब हम इसमें कड़ी बिठाएंगे। तो कड़ी बिठाने के लिए क्या करेंगे, इसको हाइट किया, फिर कड़ी का नाप हम लेंगे, सर्कल कितना, तो 2.1 का गैपिंग चाहिए, और कड़ी कितना ब्रॉड चाहिए, तो 0.8 का, तो 0.8 का ऑफसेट लिया। फिर इन दोनों का उसके बीच का जो ऑप्शन है ट्विन कर्व, तो ट्विन कर्व हमने ले लिया, ये बीच का कर्व सिलेक्ट किया, सॉलिड में गए। अब इसको पाइप, तो पाइप के ऑप्शन पर क्लिक किया, डायमीटर की ऊपर क्लिक करके उसको रेडियस कर दिया। अब वहां पे हमें लिखना है 0.8, दो बार एंटर, तो ये कड़ी हमारा बन गया। इस कड़ी को मूव करके हम ऊपर ले लेते हैं अभी। फिर पेंडेंट को फिर से शो किया, इमेज को ऑन किया, तो पेंडेंट में कड़ी कहाँ पर है, तो यहाँ पे है इस तरह से। फिर राइट व्यू में से इसको ऊपर ले लिया, मेटल के बीचों बीच सेट हुए से ना हो गया, 3D करके देख लेना है इंसेशन है ठीक से, अगर ना हो तो क्या करना है, इसको थोड़ा अंदर ले लेना है ऐसे। ना हो गया, फिर सेव करके इसको यूटिलिटीज में जाके ग्रुप किया, फिर से हाइड कर दिया। हम इसके ऊपर का लूप बनाएंगे, तो इमेज हाइड कर दिया। लूप बनाने के लिए हमें राइट व्यू में जाना है, कौ में जाके सर्कल लेना है, F4 करके एक 3 mm का लेना है और दूसरा हमें 5 mm का लेना है। 3 mm इसलिए क्योंकि 3 mm का बीच का हमें यहाँ से गैप चाहिए और 5 mm हमें इतना यहाँ से लंबा चाहिए। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इतना मूव कर लेंगे, जो 3 mm का सर्कल था ना उसको हमने पहले यहाँ तक मूव किया 5 mm सर्कल के इस बॉर्डर पर, फिर उसके उस सर्कल के ये वाले पॉइंट को हम मूव करके इस वाली बॉर्डर तक ले जाएंगे। फिर इसके ये वाला बाहर का जो सर्कल है अब हमें नहीं चाहिए, तो डिलीट, क्योंकि वो सिर्फ मेजरमेंट के लिए था। फिर इसको ऑफसेट देना है हमें बाहर की तरफ 0.7 का, तो 0.7। फिर इसको हमें सिलेक्ट किया, सॉलिड में गए, एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट से हम दोनों तरफ इसको हाइट दे देंगे। तो हमें यहाँ से बोथ साइड यस रखना है और दोनों तरफ हमें 1 mm का हाइट देना है, तो टोटल कितने mm का बने? 2, तो बोथ साइड 1 mm, मतलब 1 mm लग के एंटर। तो टॉप में से देख लीजिए ये 2 mm का बना, अब हमें यहाँ से 1 mm का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कर्व में गए, सर्कल लिया, यहाँ से हम 1 mm का सर्कल रख देंगे। फिर इसको सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए, दूसरे बॉक्स में टेपर का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ एग्जैक्ट सेंटर में हमें ऊपर क्लिक करना है, शिफ्ट दबाकर नीचे, और ऐसे ही साइड में हमें एक बार क्लिक करना है। अब हमें यहाँ से पतला करना है, पर हमें यहाँ फ्लैट यस और इन्फिनियट यस, इसना ये ऑप्शन दोनों में यस रखना है। फिर इसको हमें टेपर करना है, तो हमें नीचे कितना चाहिए था, 1 mm, तो हमने यहाँ 1 mm तक सेट कर लिया, तो ऊपर से ये हो गया 2 mm और नीचे से 1 mm। अब ये तो हुआ फ्लैट, पर अब हमें इसमें डोम वाला भी चाहिए, तो क्या करेंगे, हम इसी को कॉपी करके साइड में ले लेते हैं और ऊपर का जो है उसको एक्सटेंड करके सरफेस अलग कर देंगे। तो सो लीड में गए, एक्सटेंड सरफेस का ऑप्शन, ये वाला सरफेस सिलेक्ट किया और ये वाला सरफेस, एंटर करके डिलीट, तो ये इतना हो गया। फिर सॉल्व सरफेस में गए, ब्लेंड सरफेस का ऑप्शन लिया, यहाँ से क्लिक, यहाँ से क्लिक, एंटर, कितना चाहिए हमें डोम, तो 0.2 का, कितना हो गया। फिर नीचे हम ब्लेंड सरफेस लेंगे, तो सॉलिड में सरफेस में ब्लेंड सरफेस का ऑप्शन लिया, फिर इन दोनों साइड के एजेस पे क्लिक किया, एंटर, कितना चाहिए, तो यहाँ भी हमें 0.2, कितना हो गया। सिलेक्ट करके इन सबको पहले ज्वाइंट कर देना है, पर यहाँ से ओपन है तो इसको पैक करने के लिए हम
सॉलिड में गए केप प्लानर दिया, पर कई बार ऐसा होगा कि केप प्लानर नहीं होगा तो क्या करेंगे, सरफेस में जाएंगे, लॉफ्ट सरफेस लेंगे और इस एज पर क्लिक करेंगे शिफ्ट दबा के और दूसरी एज पर, ओके तो फिर एंटर दे दिया, आ गया हमारा सरफेस, ओके फिर ये सब कुछ सिलेक्ट करके फिर से जॉइंट हो गया हमारा लूप। हम फिर से पेंडेंट को शो करेंगे, अब हमें ये अभी ये वाला नहीं चाहिए तो हम इसको हाइड कर देंगे और ये वाला लूप हम मूव करके ऊपर ले लेंगे ऐसे, फिर राइट में से इसको कड़ी के बीचों बीच ऐसे सेट कर लेंगे। हो गया हमारा ये वाला पेंडेंट अभी, और बाकी के जो कर्व्स है वो हम अभी डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा पेंडेंट कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं अभी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।